तो हेलो गाइस, तो आज भैया दोस्त है तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे लड्डू बेसन और ड्राई फ्रूट्स के, क्योंकि उस दिन मैंने बनाए थे मुहूर्त वाले दिन, सबको बहुत पसंद आए। तो मैं यही सोच रही हूँ कि मैं सबके लिए आज फिर से बना लूँ थोड़े से लड्डू, क्योंकि दीदी के घर भी जाना है भैया दोस्त बनाने के लिए। तो बस उसी तैयारी में लगी हूँ कि हम बाहर की मिठाइयाँ ना ले जाके अपने घर में जो हम बना सकते हैं, जो मुझे आता है अच्छे से बनाना। और उस दिन सब ने बड़ी तारीफ़ की थी तो फिर से मुझे तारीफ बटोरनी है, तो इसलिए मैं बना रही हूँ। ये मैंने कड़ी भूनी है, अब मैं इसी में घी में छोड़ दूँगी बेसन और अच्छे से हम इसको काट। और इसमें और घी की जगह मैं इसमें ये घी डाल दूँगी। बेसन को अच्छे से भूनूंगी और फिर हम इसमें बनाएंगे लड्डू बूरा डाल के। तो घी तो जब इसमें आप कितना ही डाल लो, तैयार हो गए हमारे लड्डू जो हम लेके जाएंगे बच्चों की बुआ के घर। सो गाइस, तैयार हो गए हम दीदी के घर जाने के लिए, तो मिलते हैं आपको वहीं पे। और ये सामान रखा है मैंने, इसमें है लड्डू। और कितना भी जल्दी कहो ना, मुझे लगता है हम लेडीज जल्दी तैयार हो जाती हैं, जेंट्स बहुत टाइम लगाते हैं तैयार होने में। मेरे घर के तो यही हाल है कि मैं सारा काम भी कर लेती हूँ, तैयार भी हो जाती हूँ, पर हमारे घर के बच्चे और पतिदेव इनको टाइम लगता है भैया तैयार होने में। और मैं कैसी लग रही हूँ जरूर बताना। आज मैंने बड़े मतलब रिलैक्स हो गए, और ये सूट मैंने सिला था भैया दोज के लिए, और ये मैं पिछले भैया दोज के लिए लेके आई थी दो सूट, एक मैंने तब पहना था एक मैंने अब सिलाया भैया दोस्त के लिए। और मैं मुझे बहुत प्यारा कलर लग रहा है, ये पिस्ता कलर, ये मेरा फेवरेट कलर है। और एक महरूम कलर मेरा फेवरेट है, दो कलर बहुत फेवरेट हैं। तो अब देख देख के मुझे हंस रहे हैं क्योंकि मैं तैयार हूँ और ये अपने छगन मगन में लगे हुए हैं। और लड्डू गोपाल भी हमारे तैयार हैं चलने के लिए, तो हम सब तैयार हैं और मिलते हैं आपको दीदी के घर। और आज से याद आया दर्शकों को बता दूं कि दूध वाला थोड़ी ना है ये, वो तो ठीक है, मैंने खा तो लिया। आधी इधर दे दे, चेला तेरी मम्मी का भी कर दो।
आदि की मामी थोड़ी ना है ना भाई, क्या बोल रहा मैंने, इसमें आदि नहीं दिखते, आदि बोल रहा, आदि के मामी तो इन थोड़ी तरह की तो उधर से खेल कंफ्यूजन किसके कुछ और सुन लास्ट तो बुआ चलो मैं वीडियो बना रही हूँ, मुझे नहीं पता ठीक आवाज है, फोटो बीच तो उससे वीडियो उससे बनवा लेते हैं, अरे रुक जाओ ना मैं खींच लूंगी फोटो, बेकार ही डाल दिया व्हाट्सएप आ रही था तो लाई कहां रहे ना वीडियो का कैमरा तो उसका लाएंगे तभी तो मैं वहां से उससे फोटो बंद करवाऊंगा लड्डू खावे पहले इसे तो खा ले ना ले लो ना हाल में ले लो दे रखा है क्या करूं बताओ चालू कर दी बेटा तूने वीडियो क्लियर आ रही है हाँ ये तो कर रहा हूँ तू इधर को ध्यान रखना मैं गोले फालतू ले आई ये भी तो अब मैं गोले भी जैसे इसके बाल ही बाल तेरा तेरा सर में चाहिए कि फॉर्म के अंदर बंदी है बुआ आगे तोड़ अभी हंस मेरे पे टीका लगा देना पहले सबको हो जाने दो तो इतने तो चाय बन जाएगी ना हाँ 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 मैं सब पियोगे चाय कोई बात नहीं कहीं मेरे रेडी है नहीं है अब मोसा बंद कर रही है आदि ये गेस्ट से फोटो खींच के लग रहा हो ऐसे हां ए इसकी तई वाली निकाल तू फिर ठंडी वाली काम तुम करो इच्छा मेरे लिए नहीं रखी है आयत ने नजदीक मत कर तू इसे ज्यादा नजदीक से नहीं फोटो बढ़िया तू तो थोड़ा दूर से फिर खींचेगा जूम करके देख कितना सर मारा आदि ओए निधि थोड़ी पास कर दे बड़ा होने लगा निधि कौन सा लेगी इन लोगों को छोड़ के अब तो चूज कर लिया अब तो चूज कर तो बोल दिया उसने ना तुमने बात रखी उसके आगे अब तो होगा चल चल इधर कर आप कोई बात पहले कर कोई पकड़ा दे दे हम दार फिट से ले लेंगे ना ये तुम अपने चक्कर में क्यों तुम थोड़ी ना लोगी ये ना मीठे के साथ नमक ना वो जाएगा नमक से का नीचे रखी रहने दो अब लोग कहां है अरे खिंचवा घर पे खत्म हो जाएंगे। ये पन्नियाँ डालना ऊपर की। कब ला दे? चॉकलेट तेरी फेवरेट है। टारगेट है। सबका चोको पाई पाई टारगेट है भैया। अभी पहले रखिए ये नीचे। मोसा देख कर देख कर। पार्टी वापस जाने हैं। तो तुम्हारे कपड़े भी तो आए हैं बेटा। शक्ल मत बना इतनी गंदी
आ जा देती ना, फोटो नहीं ले सकता तो उसके हाथ में पकड़ा दिया। चल कर, तो सही रहेगी। ले लेट पी ले आराम से। ए रिंदा चाय ले। तेरा पीला नहीं है तो वो थोड़ा लड्डू को ले रहा हूँ। लड्डू को ले रहा है ना, ये तो दे गोला तो। अब हो रहा है चाय नाश्ता और बहुत सारे लड्डू है बेसन के। ये दिखाएं भी तो क्या क्या बनाया है और क्या क्या खाएंगे हम। और मैच चल रहा है आज इंडिया और न्यूजीलैंड। चम्मच तो है वहाँ। पूछ ले आदि से, पूछ ले आदि। रोटी लाओ, रोटी चावल क्या रोटी नहीं। सोलन बना दिए ना उसने, आया हुआ है विक्की। बल्लेबाजी यूनिट का ये दूसरा शतक इस मैच में, पहले विराट कोहली के बल्ले से और अच्छे ऐसे करके, और वो भी 130 स्ट्राइक रेट से। और हम आए थे नीचे दीदी के साथ पार्क में घूमने के लिए, और यहाँ बच्चे बैडमिंटन खेल रहे हैं। इसे दिखाई भी दे रहा है ना, मुंह पे क्या ढक रखा है ये। ये आज के चैंपियंस ताई। बैडमिंटन खेलने के बाद हम आए हैं सोसाइटी में। बहुत ही सुंदर मंदिर है और हमने यहाँ सभी देवी देवताओं के दर्शन किए। और क्या, कितनी छुट्टी हो। हाँ, अभी तो जाना फिर छुट्टी है। मुझे पता था।
अरे कोई सा भी हुआ, वो आउट हो गया, मैं उससे मतलब है बस। और यहाँ दीदी बना रही है रात का खाना और सब मैच देखते हुए खाना खा रहे हैं। सुन मेरी बात, खुशी का माहौल। जडेजा बेस्ट टाइम, इन्होंने स्कोर अच्छा था, 400 कम नहीं है। खुश है पटाखे, पब्लिक खुश है, यस। पटाखे छुपने लगे पूरे। भारत के जीतने खुशी में पीली वाली चालीस रोटी मैंने खाई, 40 रोटी नेपाल ने, 40 रोटी थे भैया, 48 रोटी खा ली, जीता ही कह रहे हैं। 11 बजने वाले हैं और हम चलेंगे घर के लिए, उससे पहले थोड़ी सी आतिशबाजी हो जाए नीचे मैच जीतने की खुशी में, डाल के खा लेना पूरा पटाखा, निकल जाता हूँ ना के। ओ यहाँ पे मारो मारो मम्मी देख लो, बोल ना आँख लग जाएगी बेटा, आगे चौंक के पिताजी तो आप भी देख रहे टीवी। क्या तन्नू अकलमंद है क्या? अभी तो देखेंगे ये दूल्हे, तुझे क्या हुआ? मेरा काम हो गया, आदि पीछे हो जा। अच्छा एक मोमबत्ती लियो खड़ा।